कानपुर शहर में 3 जून को जुम्मे की नमाज के बाद उपद्रव और हिंसा की वजह से आज प्रदेश में हाई अलर्ट है। कानपुर में शुक्रवार को होने वाली जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। जिले में आज धारा 144 लागू की गई, आज जुम्मे की नमाज भी होनी है, इसके लिए प्रशासन खासा सतर्कता बरत रहा है। जिला और पुलिस प्रशासन अतिरिक्त पुलिस बल के साथ शहर के चप्पे चप्पे इलाकों पर नजर बनाए हुए है, साथ ही इलाकों पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। आज पुलिस के खुफिया तंत्रों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इंटरनेट मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को लेकर भी पुलिस की साइबर सेल एक्टिव है, जिससे इंटरनेट मीडिया पर खबर फैलाने वालों पर भी शिकंजा कसा जा सके। पुलिस रूट मार्च करके लोगों से अपील कर रही है कि नमाज के बाद रुके नहीं, सीधे अपने घर जाएं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर करीब 2500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक आज जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन किसी भी झील के मूड में नहीं है। यही वजह है कि शहर में आज धारा 144 लागू कर दी गई। सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। इसी के साथ ही आगरा में आज जुम्मे की नमाज को लेकर भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। साथ ही बरेली में ड्रोन से मस्जिदों के आसपास छतों की निगरानी की जा रही है और मेरठ में भी सतर्कता बरती जा रही है। जिले को 7 जोन में बांटकर सभी प्रमुख मस्जिदों के आसपास पुलिस तैनात कर दी गई है।